अरे भैया बहन, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन हम बताए थे, और कुछ किताब में भी क्वेश्चन कैसे बनाना था उसको बताए थे। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं। क्या है? 4 2 6 आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मैं यहाँ 3 डिजिट का दे रहा हूँ। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 6 4, 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। 4 6 4 24, 24 का 4 हो गया। हाथ में आप कैरी 2 रखिए, हाथ में कैरी 2 रखिए। 4 2 8 और 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 8 और 2 10, 10 का 0 और हाथ में कैरी फिर 1 हो गया। 10 यहाँ नहीं लिखना है। 4 4 16 और कैरी था 1, 16 और 1 17। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को बनाएंगे। अब यही यदि 2 डिजिट का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? 2 डिजिट का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो 3 6 18 का 1, हाथ में कैरी हो गया 1। 3 2 6 और हाथ वाला 1 7, यहाँ लिखे। फिर 3 3 9, इसके नीचे लिखे। 4 का टेबल 6 बार बोलेंगे। 4 6 24, 4 6 24 का 4 यहाँ लिख दिए। एक ठो छोड़ के लिखेंगे, 4 था तो 4 के नीचे आकर यहाँ लिखेंगे। 4 6 24 का 4 हाथ में कैरी कितना हो गया? 2। 4 2 8 और कैरी 2, 10 10 का 0, इसके बॉर्डर लाइन नीचे लिखेंगे। कैरी हुआ फिर 1। 4 3 12 और 1 13, 13 का 3 यहाँ लिखे, यहाँ पर 1 लिखे। अब लाइन खींच देंगे और ऐड कर देंगे। 8 यहाँ 8 7 4 11 का 1, कैरी हुआ 1 हाथ में। बगल वाले को देंगे 9 1 10 के 0 हाथ में, फिर 1 हो गया। 3 और 1 4 हो गया, ये 1 है। यानी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। ओके, अब कुछ सवाल आपको आगे मिलेगा। कैसा मिलेगा? 43 × 10। यह वैदिक गणित के अनुसार से हम लोग आराम से बना लेंगे बिना मल्टीप्लाई किए हुए। कैसे बनाएंगे? इतना इक्वल टू हो गया 43, तब 43 लिख दिए। 1 0 था तो 1 0 लिख दिए। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो वैदिक गणित में इसको बोलते हैं विलोकनम, यानी आप फाड़ फाड़ के देखिए और इसको बनाइए। विलोकनम यानी देखिए और बनाइए। अब मेरे पास में मान लीजिए 4 3, अब कभी कभी ऐसा भी होता है सवाल 2 दे दिया। क्या दे दिया? 2 दे दिया। तो क्या करेंगे हम लोग? ये 2 और 43 को मल्टीप्लाई करिए। वैदिक गणित आप लोग पढ़ना है, इसलिए आसानी से मल्टीप्लाई किए। 2 3 6, 4 2 8। अब कितना 0 है? 2 0, 2 0 लिख दिए हम लोग, बन गया। ऐसा भी सवाल आपको आगे मिलेगा, और एक सवाल ऐसा मिलेगा टेबल को भरना है। इसको भरना है टेबल को। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ नंबर आप लोगों को मिलेगा तो 1 2 3 4 ऐसा भी मिलेगा, और यहाँ भी 1 2 3 4 रहेगा ऐसा मिलेगा। और सेकेंड सवाल ऐसा होता है कोई भी नंबर यहाँ भरा हुआ हो सकता है, यहाँ कोई भी नंबर भरा हो सकता है। तो हम लोग यदि इसको भरना है, ये बक्सा बक्से को भरना है, तो इस बक्से के पास जा करके खड़े हो गए। अब ऊपर जाएंगे कितना है 4, लेफ्ट में जाएंगे कितना है 4, 4 और 4 क्या करना है? मल्टीप्लाई, कितना होगा? 16। अभिषेक भैया आप यहाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। अब बताइए ऊपर में क्या है? 6। लेफ्ट में क्या है? 5। 6 और 5 मल्टीप्लाई किए कितना हो गया? 30। यहाँ लिखे कितना? 30। ओके, रौनक भैया आप बताइए
यहाँ कितना है, ऊपर गया कितना है 6, लेफ्ट में आया कितना आया 3, 6 और 3 मल्टीप्लाई किए कितना आया 18। इस तरह से सभी भैया बहन इस बक्से को आसानी से भर लेंगे। ओके, अब मैं कुछ किताब में क्वेश्चंस है उसको बताऊंगा। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 ध्यान से देखें। 66 में क्या है, यहाँ हमें करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन जो बोले थे। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन कैसे होगा, अब हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या आया, एड 8 फोर टाइम्स, 8 को 4 बार जोड़ना है, 8 8 8 4 बार लिख करके ऐड करना है। देखिए यहाँ ऐड किए तो कितना हो गया 32। उसको दूसरा तरह से कैसे लिखेंगे, सेकेंड टाइप, फोर टाइम 8 है तो 4 × 8 इज इक्वल टू 32, यानी मल्टीप्लाई के रूप में जब लिखेंगे तो 4 × 8, और एडिशन के रूप में लिखेंगे तो 8 + 8 + 8 + 8 फोर टाइम हो गया, कितना हो गया 32। अब इसको यदि हम लोग टेबल में सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए एक टेबल बना हुआ है, हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को क्या किए, इसको डार्क कर दिए, रंग दिए इसको, यानी पहला 8 हो गया, पहला 8 हो गया। अब फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड 8 रह गया, इसको भी डार्क कर दिए, इसको भी डार्क कर दिए, रेड रंग से किया हुआ। उसके बाद थर्ड टाइम हम लोग फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 24 आ गया, अब इसको भी रेड डार्क कर दिए हम लोग, फिर काउंट के थ्री टाइम्स 8 हो गया। अब फोर्थ टाइम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी डार्क कर दिए। तो क्या हुआ, देखिए डायगोनल में तिरछा रहा, 1 2 3 4 आ गया, यानी इस प्रकार से हम लोग को 8 को प्लस जो किए ये डार्क, नंबर लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉक्से में नंबर दिया हुआ है काउंट कर करके हम लोग 32 के पास पहुंच गए, यानी पहला बार 8, फिर सेकेंड टाइम 8, फिर सेकेंड थर्ड टाइम 8, फिर फोर्थ टाइम 8, काउंट किए कितना गया, देखिए आंसर लिखा हुआ 32, 4 × 8 = 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, कैसे बनाइएगा, फिल इन द प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में भरिए यूजिंग नंबर ग्रिड्स, नंबर ग्रिड, ये नंबर ग्रिड है, क्या है ये नंबर ग्रिड है, 1 2 3 4 5 10 तक लिखा हुआ, फिर 11 से स्टार्ट है, फिर 21 से स्टार्ट है 30 तक, ये क्या है नंबर ग्रिड है, इसी पर हम लोग काउंट कर करके काम करना है। अब देखिए 9 कितना टाइम है, 5 टाइम्स, क्या लिखा है यहाँ पर, 1 9 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या होगा 9 5 = 45, आप काउंट करके और टेबल पढ़ कर करके रीड कर लीजिए और लिख दीजिए यहाँ कितना होगा 45, यहाँ क्या होगा 9 कितना टाइम है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 × 9 = 45। अब आपको नंबर ग्रिड में भी डार्क करना होगा, कैसे डार्क कीजिएगा, तब यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या करें हम लोग 9 को आप थोड़ा सा पेंसिल से ऐसे ऐसे कर दीजिए, पेंसिल से कैसे कर देंगे लोग, ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ ऐसे किए लोग, ऐसे ऐसे हम लोग बना दिए, 9 + 9 हो गया। अब फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 18 के पास आ गया, कहाँ आया 18 के पास, तो कौन करें थोड़ा सा ऐसे पेंसिल से हल्का हल्का डार्क करेंगे,
हुआ राग मत कीजिएगा, हल्का हल्का डर कीजिएगा, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसको डार्क करेंगे, वाह डार्क कर दिए हमने, डार्क हो गया। उसके बाद फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ डार्क कर दो, 1 2 3 4 काउंट कर दिए। उसी तरह से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ आ गया, कितना 9 1, काउंट कर दिए। यानी क्या हुआ, इसमें हम लोग को डार्क करना है। रिजल्ट क्या आया 45, यहाँ रिजल्ट क्या आया 45। ओके, अब ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको दिया, आपके लिए दिया हुआ है, ऐड 6 टाइम्स 5 को करना है, 6 टाइम, यानी 5 कितना बार है, देखिए 6 टाइम है, तो 5 6 जा 30, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 5 है, 30 हो गया। अब उसी तरह से ग्रिड पर पहला बार में 6 को डार्क करेंगे, कौन जी है 5 है, काउंट करेंगे 5, 1 2 3 4 5, फिर 5 काउंट करेंगे, फिर करेंगे और डार्क करते हुए चलेंगे, और लास्ट में रिजल्ट हमारे पास में जो आएगा 5 6 जा 30, 30 कहाँ है, देखिए 30 यहाँ पर, 30 डार्क कर देंगे। उसी तरह से ये लास्ट नंबर सवाल है, मैच द करेक्ट आंसर, यानी देखिए 7 7 7, तो इसमें कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। भैया अभिषेक तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरा मोटा भाई भी है, मोटा भाई क्या आंसर होगा देख लीजिएगा। ओके, मैं इसको नहीं बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखिए कंप्लीट द टेबल, अभी मैं बोर्ड पर बताया था ना, उसी तरह का टेबल देखिए आपके किताब के पेज नंबर कितना में है, 73। देखिए 73 पेज पर दिया हुआ है ये टेबल। कैसा टेबल है देखिए अच्छी तरह से, कंप्लीट द टेबल, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने कहा था ना किताब में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ, और यहाँ नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने जैसे बताया है जहाँ भरना होगा उस जगह पर चले जाएंगे, यदि यहाँ भरना है उस जगह पर जाएंगे, इसके ऊपर में क्या है 6, यहाँ से लेफ्ट में क्या है 7, 6 7 जा 42, इसमें कितना भराएगा 42। इस प्रकार से हम लोग इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर उल्टा सीधा नंबर दिया हुआ है, मैंने कहा था ना कहीं कहीं उल्टा सीधा भी, देखिए 5 है 2 है 1 है 7 है 9 है 10 है 6 है 8 है 4 है 3 है, जो मन में आया नंबर लिख दिया, यहाँ भी देखिए जो मन में आया नंबर लिख दिया। अब आपको भरना है यहाँ, बोलिए अभिषेक भैया क्या होगा, देखिए यहाँ से ऊपर में क्या है, ध्यान से देखिए 7, लेफ्ट में क्या है 8, 8 7 जा 56, यहाँ कितना भरेंगे 56, 5 6, मैं भरूँगा नहीं, आप लोगों को भरना है। ओके, तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क। ओके, थैंक यू।